मोतीझील में नाव चलाकर किया विरोध प्रदर्शन। मुजफ्फरपुर के लोगों में सिस्टम के खिलाफ आक्रोश। नगर विधायक और नगर निगम के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। जल जमाव को लेकर जताया आक्रोश। घायलों को मदद करने वालों को मिला सम्मान। मुजफ्फरपुर में कोरोना वॉरियर्स को भी प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। डीएम बोले, अन्य लोगों में जगेगी निस्वार्थ मदद की भावना। अंतिम सोमवार भी नहीं हुए बाबा गरीबनाथ के दर्शन। पहले जा घाट से जल लेकर कई भक्त बाबा पर जलाभिषेक करने आए थे, प्रशासन ने बैरिकेडिंग के पास ही रोका। वैशाली में गड्ढे में डूबने से युवक की मौत। घर से खाना लेकर जाने के दौरान गड्ढे में जा गिरा युवक। बाढ़ का पानी जमा होने के कारण निकालने में हुई देरी, तब तक हो गई मौत। मुजफ्फरपुर में स्केटर्स ने निकाली तिरंगा यात्रा। 5 किलोमीटर तक हाथ में तिरंगा लेकर निकले 50 स्केटर्स। लोगों ने कहा, ऐसे युवाओं को देखकर होता है गर्व। अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल से वृद्ध ने लगाई छलांग। पटना में पशुपालन विभाग में रिटायर्ड बुजुर्ग घर में पड़ोस के अपार्टमेंट में गया, वहां से कूदकर किया सुसाइड। स्कूल खुलते ही मचा नया बवाल। निजी स्कूलों को जबरन बनाया जा रहा परीक्षा सेंटर। कोरोना के कारण बेहाल हुए प्राइवेट स्कूलों ने कहा, अब तो सरकार ही बचाए। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की तीसरी पुण्यतिथि आज। राष्ट्रपति और पीएम ने दी श्रद्धांजलि। उपेंद्र कुशवाहा को न माया मिली न राम। जेडीयू के पुराने लोग उपेंद्र को अपना नेता नहीं मानते। आरसीपी से मतभेद का हुआ नुकसान। पोस्टरों से भी गायब हुए कुशवाहा। बिहार में कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल खुले। 4.5 महीने बाद स्कूल पहुंचे बच्चे। पहले दिन काफी कम आए। बिना मास्क के पहुंचे बच्चों को स्कूल ने दिया मास्क। सिवान में युवक का मर्डर। रात घर से निकला था, सुबह टहलने गए लोगों को दिखी लाश। अपराधी ने सिर में गोली मारी। पटना में स्वतंत्रता दिवस पर लगे बार बालाओं के झुमके। मुखिया ने उड़ाई कोविड-19 प्रोटोकॉल की धज्जियां। बार बालाओं के डांस का किया गया आयोजन। मनेर विधायक भाई वीरेंद्र को बनाया गया मुख्य अतिथि। भागलपुर में मां और नवजात को रेस्क्यू कर बाहर निकाला। घर में बाढ़ का पानी घुसने के कारण छत पर नवजात को गोद में लेकर बैठी थी मां। एसडीआरएफ की टीम ने बाहर निकाला। सिवान में ट्रिपल मर्डर। संजी पति ने पत्नी और सास ससुर को काट डाला। बेटी ने किया विरोध तो उसे भी मार कर किया घायल। वैशाली में महिला की डूबने से मौत। मवेशी के लिए चारा लाने के दौरान बाढ़ के पानी में डूबकर महिला की मौत। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। बीजेपी की झोला राजनीति आज से शुरू। बिहार में 50 लाख मोदी छाप वाले झोले बटेंगे। 49,780 जन वितरण दुकानों पर लगेगा पीएम मोदी का बैनर। केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद पहली बार आरसीपी सिंह पहुंचे पटना एयरपोर्ट पर। कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। दुर्लभ बीमारी से पीड़ित अयांश के माता पिता मुख्यमंत्री के जनता दरबार पहुंचे। कहा, एक बार सीएम साहब मिल लेते तो समस्या हल हो जाती। उत्तर बिहार में बारिश। दक्षिण में रूठा मॉनसून। सीतामढ़ी अररिया किशनगंज और पूर्वी चंपारण में भारी बारिश का अलर्ट। बिहार के उत्तरी भाग में 19 जिलों में बारिश का पूर्वानुमान। जल जमाव पर फूटा लोगों का आक्रोश। मुजफ्फरपुर के कांटी प्रखंड के लोगों ने बांस बल्ला लगाकर किया सड़क जाम। जल निकासी को लेकर जमकर प्रदर्शन। आरसीपी का रोड शो दिखाया दम या कोरोना को आमंत्रण। सिंह के रोड शो से पटना की रफ्तार थमी। कोविड प्रोटोकॉल का नहीं हुआ पालन। ललन के स्वागत से ज्यादा भव्य बनाने के लिए समर्थकों ने झोंकी ताकत। वैशाली में कई घरों में घुसा बाढ़ का पानी। हाजीपुर नगर के कई वार्ड में घुसा गंडक का पानी। सड़क भी बह रहा पानी। लोगों की बड़ी मुश्किलें। कम्युनिटी किचन के नाम पर सिर्फ धांधली। समस्तीपुर में कई गांव में घुसा बाढ़ का पानी। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए कम्युनिटी किचन की व्यवस्था, लेकिन सिर्फ एक वक्त का भोजन। मुजफ्फरपुर में हाथ पैर बांधकर चोरों की धुनाई। मंदिर में चोरी कर भाग रहे थे दोनों लोगों ने सामान के साथ दबोचा। लोगों ने पहले जमकर पीटा, फिर पुलिस के हवाले किया। मुजफ्फरपुर में नशे में कारोबारी ने दुकानदार को पीटा। गेट में ठोकर मारने का विरोध करने पर दवा कारोबारी ने दुकानदार के साथ की जमकर मारपीट। मन नहीं भरा तो आधी रात में वापस आया और हॉकी स्टिक से फिर पीटा। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर बोले सीएम नीतीश, अब मैं पीएम के कॉल का इंतजार कर रहा हूं, उसके बाद ही कुछ निर्णय लूंगा। पोस्टर विवाद और आरसीपी सिंह पर जहानाबाद में जमकर बोले उपेंद्र कुशवाहा, कहा, मुझे किसी ने नहीं बुलाया। गंगा स्नान के दौरान उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। वैशाली में गंगा घाट पर स्नान को लेकर उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। कोरोना को लेकर कहीं नहीं देखी सतर्कता। बिना मास्क लगाए पहुंचे थे लोग। पटना में विवाहिता की गला दबाकर हत्या। बहन की तबीयत खराब होने की खबर सुनकर देखने पहुंचा भाई। कमरे में मृत पड़ी मिली। परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप।
कंधे से लटका मिला शव समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक नदी किनारे बसवाड़ी में मिली लाश, लोगों में हड़कंप, मृतक की हुई पहचान, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।